देश में चुनावी महासंग्राम का ऐलान हो चुका है। 2023 से लेकर 24 तक चुनावी दंगल जारी रहेगा। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव, जहां एक तरफ केसीआर से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक विपक्ष को लेकर एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दी जा सके। लेकिन एक तरफ मंच पर आने की बात तो छोड़िए, कांग्रेस साफ साफ एक साथ आने के लिए भी तैयार नहीं है। विपक्ष में आपसी तकरार साफ दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 26 फरवरी से शुरू होने वाले कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन की टैगलाइन हाथ से हाथ जोड़ो रखी गई है। इस सम्मेलन के जरिए वोटरों के बीच कांग्रेस की खोई लोकप्रियता वापस लाने पर मंथन किया जाएगा। लेकिन इस सम्मेलन का मुख्य मकसद भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी एकता सुनिश्चित करना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हाल ही में कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा से बने माहौल के बाद कांग्रेस रुक नहीं सकती, इसे अब भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करके एक आक्रामक मोर्चा बनाना चाहिए। देश के इस प्रस्ताव से उत्साहित कांग्रेस ने जोर देकर कहा है कि कोई भी विपक्षी मोर्चा तभी सफल हो सकता है जब कांग्रेस मजबूत हो और मोर्चे का आधार हो। जहां तक प्रमुख विपक्षी दलों का संबंध है, तो यहां हाथ अपनी पकड़ ढीली कर रहा है। कांग्रेस ने हाल ही के दिनों में कई बार तृणमूल कांग्रेस पर खुलकर हमला बोला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि टीएमसी के नेता कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई बैठकों में शामिल होते हैं, लेकिन बाद में एक लाइन कहते हैं जो सत्तारूढ़ भाजपा से मेल खाती है। टीएमसी सहित सारा विपक्ष अडानी मुद्दे पर एक संयुक्त संसदीय समिति की जांच के लिए सहमत हुए थे, लेकिन बाद में टीएमसी ने अदालत की निगरानी में जांच की बात कही। ये शायद पहला मौका है जब कांग्रेस ने टीएमसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया। कुछ ऐसा ही आरोप आम आदमी पार्टी पर भी लगाया जाता रहा है। तो वहीं भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष केसीआर भी कांग्रेस से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। वो विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को अलग ही रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी 24 फरवरी से रायपुर में होने जा रहे अधिवेशन में विपक्षी एकता को लेकर रणनीति बनाने वाली है। तो अब 2024 करीब आने के साथ ही विपक्षी एकता की चर्चा जैसे जैसे तेज हो रही है, उसी के साथ एक परेशानी भी बढ़ती दिख रही है। यहाँ टीएमसी, आम आदमी पार्टी और अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं ने इन दलों को कांग्रेस विरोधी खेमे में ला दिया है, जो भाजपा के खिलाफ एकमात्र राष्ट्रीय विकल्प होने का दावा करती है। ऐसे में विपक्ष के हाथ की पकड़ मजबूत न होती दिखने से भाजपा को ही मुस्कुराने और फिर विजयी हाथ लहराने का कारण मिलता दिख रहा है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।